हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉक अकाउंट। तो आपको ब्लॉक अकाउंट किधर खोलना है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो इसमें हम मेन तीन बैंक्स को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कंपेयर करने वाले हैं जो फेमस है, फिंटिबा, एक्सपेट्रियो और कोरेकल। यहाँ पे हम डॉइचे बैंक या फिर ऐसा कोई बैंक का ये नहीं लेने वाले, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है अपने लिए। तो एज अ स्टूडेंट कौन सा अकाउंट अच्छा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो कोरेगल सबसे सस्ता पड़ता है, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि आगे के हम कॉस्ट देखते हैं। तो अभी एनुअल फीस देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्ट्रियो सस्ता है, जो कि उसका 49 यूरो हमें रिफंडेबल मिलता है। जो 49 यूरो एनुअल फीस लेते हैं वो रिफंड मिलता है बाद में। मंथली फीस देखे तो वो कोरेकल की कुछ नहीं है, तो इसी वजह से मैं बोल रहा था कि कोरेकल सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमें एक्सपेट्रियो 60 यूरो में लगता है और कोरेकल 74 यूरो में लगता है। यहाँ पे 15 यूरो किसके ऐड किए हैं कोरेकल में, वो मैं बाद में दिखाता हूँ। फिंटिबा सबसे महंगा पड़ता है, 174.8 यूरोस का पर ईयर, ठीक है। अभी हम मास्टर्स 2 ईयर कर रहे हैं, तो 2 ईयर के कॉस्ट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे अगर फिर से देखें तो सेकेंड ईयर का कॉस्ट देखें तो कोरेकल अगेन बहुत सस्ता है। यहाँ पे 15 यूरो फिर से हम मैंने ऐड किया है, वो भी अगेन मैं बाद में बताऊंगा कौन से ऐड किए हैं, उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, ठीक है। तो टोटल 2 ईयर का एक्सपेंस मिला के यहाँ पे अगर देखें तो कोरेकल का एक्सपेंस जाता है 149 यूरोस, एक्सपैट्रियो जाता है 169, और फिंटिबा सबसे महंगा है 295.6 यूरो। उसके क्या फ़ायदे हैं वो क्या नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस सब देते हैं, सब में इंक्लूड है उसके। कोई 6 महीने का देता है, कोई 3 महीने का देता है। तो जाना तो अपन को एक ही दिन में है, तो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन सा भी अकाउंट सही है लगता है मुझे। हेल्थ इंश्योरेंस तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि फिंटिबा हमेशा DAK से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, बाकी एक्सपेक्ट्रियो और कोरेकल हमें ऑप्शंस देते हैं, आपको TK का चाहिए या फिर DAK का चाहिए। मेरे हिसाब से तो सही है, मतलब DAK भी अच्छा है, TK भी अच्छा है। अब मेरे दोस्तों ने लिया है, एक फिंटिबा में अकाउंट खुला हुआ एक दोस्त है, वो उसका भी एक इशू हुआ था, उसका भी प्रॉपरली सॉल्व हुआ है। DAK का ऑफिस मोस्टली सब जगह मिलता है, तो कोई इशू नहीं है वैसे। बाकी टीके तो बेस्ट है, जर्मनी में सबसे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी है टीके। तो टीके लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अभी जो मैं 15 यूरो की बात कर रहा था, वो जो कॉस्ट में एडिशन कर रहा था वो है ISIC कार्ड का। तो ISIC कार्ड क्या होता है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कार्ड देते हैं, जो कि हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा हमें होता है कि होटल में या फिर कोई वेबसाइट्स पे या फिर हम किधर घूमने गए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, तो ये कार्ड दिखा के हम वो स्टूडेंट्स ऑफर ले सकते हैं। तो ये कार्ड ऑप्शनल चीज़ है, अगर नहीं लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते हो। इसलिए कोरेकल ये कार्ड प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ऐड आपको चाहिए तो एज ए फेयर कंपेरिजन के लिए मैंने ये ऐड कर दिया है, क्योंकि फिंटिबा हमें 3 ईयर्स का फ्री कार्ड देता है, जो जो कि एक्सपैट्रियो एक एक साल का देता है। तो ये 15 यूरो मैंने ऐड कर दिए, उसके हिसाब से ही मैंने कॉस्ट कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उसके उस हिसाब से उसके बाद में ये जो कंपनी है ये अकाउंट किधर ओपन करती है, तो फिंटिबा एक एक बैंक है जर्मनी में, वहाँ पे अकाउंट ओपन करता है। बाकी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो अकाउंट दूसरे एक्सपैट्रियो कोरेगल एज ए कंपनी है, और वो दूसरे बैंक के अंडर आती है और वो उधर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो एक सिक्योरिटी के हिसाब से फिंटिबा बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सपैट्रियो और कोरेकल भी वेल नोन कंपनियाँ हैं, कुछ फ्रॉड का इश्यू नहीं है,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपन को सस्ता पड़ रहा है तो एक्सपैट्री और कोरेकल के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट एक्सपैट्रियो में है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं आएगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर हम जर्मनी में आ गए तो हमें मनी पे आउट कितने दिन में मिलेगा। मैंने सब डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए उनको कि मेरा आने के बाद मेरा एक रेसिडेंट एड्रेस मिल गया प्रॉपर, जिसका आपका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करके उनको एड्रेस प्रूफ वगैरह देके अकाउंट चालू करना पड़ता है। तो वो मनी पे आउट कब जाएगा, जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो फिंटिबा और कोरेकल सबसे फास्ट होते हैं, वो 2 दिन में डॉक्यूमेंट सबमिट के 2 या 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो कंपनी क्लेम करती है लेस देन 7 डेज, सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो 3 से 4 दिन में आराम से आ जाते हैं। बाकी कोरेकल का देखे तो वो अराउंड 7 डेज, मतलब 5 6 दिन, कभी कभी 7 दिन भी लेता है, लेकिन उतना उसका कोई इशू नहीं आएगा। ये 1 2 3 दिन में क्या ही हो जाएगा, हम कैश लेके ही चलते हैं वैसे। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेशन टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आने के बाद कुछ ही दिन में आपको कुछ हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, इसके हिसाब से देखे। तो मुझे फिंटीबा बहुत अच्छा पसंद है। मेरे दोस्त का, जो मैंने पिछले बार बोला, उसका कुछ इश्यू हुआ था, तो उसने अकाउंट खोलने के बाद 2 ही दिन में उसका हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हुआ था, और उसका कार्ड भी 7 दिन के अंदर अंदर आ गया था। जो हेल्थ इंश्योरेंस एक कार्ड होता है, वो कार्ड हमें हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल्स में दिखाना पड़ता है, जिससे हमें डिस्काउंट मिलता है या और मोस्ट ऑफ दी पैसे हमारे बच जाते हैं। तो वो एक्सपैट्रियो 2 से 4 वीक्स लेता है ये प्रोसेस करने के लिए। फिंटिबा यहाँ पे बहुत फास्ट है, और कोरेकल भी 2 से 3 वीक्स लेता है। तो अगर ये, और एक दूसरा एक क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं कि अमाउंट आपको इंक्रीज करना पड़े, कुछ रेगुलेशंस अगर आप यहाँ पे आने के बाद बदल गए, जो कि हर साल हो रहा है। मैं इस साल भी यही हुआ था कि हमें वीज़ा एम्बसी ने बताया था कि 10,332 यूरो कुछ तो आपको ब्लॉक अमाउंट में रखने हैं, लेकिन जर्मनी में आने के बाद इन्फ्लेशन हुआ, ये वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, तो उन्होंने 11,000 समथिंग कुछ करने के लिए बोला। तो अगर ब्लॉक अमाउंट आपको इंक्रीज करना है तो यहाँ पे फिंटीबा और कोरेकल का प्रोसेस बहुत बड़ा है। तो आपको यहाँ का सिटी रजिस्ट्रेशन, जर्मनी का सिटी रजिस्ट्रेशन जो लेटर देता है कि 11,000 कुछ तो अमाउंट चाहिए, तो वो प्रूफ आपको फिंटिबा और कोरेकल को देना पड़ता है कि एम्बेसी ने हमें ऐसा करने के लिए, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने ऐसा करने के लिए बोला है, तो इनक्रीज करके हमारे अमाउंट कर दो। तो उसके बाद उनका अप्रूवल आने के बाद आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस के लिए कुछ कोरेकल वैसे तो 2 दिन में ये प्रोसेस करके देता है। आपका डॉक्यूमेंट्स आपने भेज दिए कि उनको प्रूफ भेज दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने बढ़ाने के लिए बोला है, तो उसका एक लेटर मिलता है, वो आपने भेज दिया, तो उसके बाद वो 2 दिन में उनका रिप्लाई आएगा और आपको अमाउंट इंक्रीज आप उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन फिंटिबा का कुछ तो इशू है, तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, वो 5 से 6 दिन लेते हैं। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है फिंटीबा का, उनको इवन दो वी गिव देम अ प्रूफ दे टेक अ 5 और 7 डेज। तो इस मामले में एक्सपेक्टेड सबसे फास्ट है, जो कि 1 से 2 दिन में उनका श्योरली मैसेज आएगा और आपको ब्लॉक अमाउंट इंक्रीज करने का अप्रूवल मिल जाएगा। और प्रोसेस भी बहुत सिंपल बनाया है एक्सपेक्टेड ने, उनके वेबसाइट पे जस्ट एडिट डिटेल्स करना है और कितना ब्लॉक अमाउंट करना है उसका अमाउंट डालना है। तो ये सबसे एक इजी टू यूज प्रोसेस बोल सकते हैं। उसके बाद एक्सेस प्लेटफॉर्म क्या है, तो एज मैंने बोला कि फिंटीबा एक प्रॉपर बैंक में अकाउंट ओपन करता है आपके नाम से, तो फिंटीबा का एक सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है प्रोसेस। बाकी एक्सपैट्री और कोरेकल तो
पूरा वेबसाइट से हैंडल होता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। लेकिन मेरे हिसाब से तो एक्सपैट्रियो ओरेकल का कोई दिक्कत नहीं है, वेल नोन कंपनीज है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। तो एट दी एंड आप सब कंपेयर करते हैं, सब चीज़ें कंपेयर करते हैं, तो सबसे सस्ता पड़ता है कोरेगा, तो सबसे महंगा पड़ता है फेंटिवा। और मेरे हिसाब से मुझे इसका मिडिल पसंद है एक्सपैट्रियो, क्योंकि इसकी प्रोसेस फास्ट है, यूज़र एक्सपीरियंस सही है। यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे या फिर आपके कस्टमर केयर पे आप जब कॉल करते हो तो वो भी इंग्लिश में सब बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यूज़र इंटरफेस इजी टू यूज़ है, मतलब आप जैसे कि मैंने अभी बोला कि अमाउंट इंक्रीज करना या फिर इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, ये चीज़ें इस पर सिंपल हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपेट्रियो के साथ जाओ, जो कि एक मिडल पॉइंट है और एक वेल नोन कंपनीज है, और आपके इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे वो एक्सपेट्रियो का अकाउंट होल्ड करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपके फ्रेंड्स के सर्कल थ्रू ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वैसे विंटिवा और कोरेगल देखो तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग वो उसके साथ नहीं जाते, तो वो एक फ़ायदा है। बाकी मैंने तो सारे पॉइंट्स कवर कर दिए, आपको कुछ स्पेशल क्यूरी है तो आप मुझे पिंग करो, मुझे कमेंट्स में ऐड कर दो, मैं देख लूँगा। थैंक यू।